पीओपी वाले अच्छे से नहीं करते हैं। तो रेगमाल लगाने से पहले जो बड़ा बड़ा टूटा होता है ना, पीओपी और वॉल पुट्टी मिक्स करके पहले उसको बना दीजिए। या तो खाली वॉल पुट्टी से भी जहाँ जहाँ खराब है, आप चाहें तो पूरे में भी वॉल पुट्टी खींच सकते हैं। एक तरीका वो भी है, एक तरीका ये भी है, जो देखो कहीं कहीं टूटा हुआ है तो इसको रिपेयर कर दिया, रिपेयर सूख जाए उसके बाद सैंडिंग करें, तब प्राइमर करें। प्राइमर करने के बाद भी एक बार बारीक रिपेयर चेक करें। थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस भी डालेंगे, और इस क्योंकि जेके बॉल पुट्टी बहुत हार्ड होता है इसलिए ज़्यादा पीओपी नहीं डालना चाहिए। बहुत ही ज्यादा बेकार कर देना पीओपी वाले, जिसको आपको बनाना पड़ता है। ऐसे पत्ती लगाइए कहीं ऊंचा नीचा है, उसके बाद इस तरीके से रिपेयर कर, या तो आप ज्यादा स्मूथ करना चाहते हैं पूरे में ही खेल सकते हो इसको, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ऐसे करके पूरे में भी खेल सकते हैं, और रिपेयर करके भी कहीं कहीं खराब हो वहां रिपेयर करो। ऐसे बनाने के बाद सैंडिंग करके तब ट्राई कर लेता हूँ, और अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हो तो इसमें ऑयल बेस्ड प्राइमर करो, फिर चौक मिट्टी में पेंट मिलाकर जैसे हम खिड़की दरवाजे पर करते हैं वैसे सीलिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, तीन तरीके से आप कर सकते हो इसको। लेकिन पीओपी वाले बदमाशी करते हैं ना, ऊंचा नीचा रहता है तो वहां रिपेयर करना पड़ता है। या तो आप पूरे छत में बॉल पुट्टी कीजिए, या तो जहाँ खराब है उस जगह पर रिपेयर कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद जब सूख जाए सैंडिंग करें 150 नंबर ग्रेड माल से, सैंड पेपर से। करने के बाद बटर बेस्ड प्राइमर लगाएं। चौक मिट्टी की पुट्टी करना चाहते हैं तब आप ऑयल बेस्ड प्राइमर करें, चौक मिट्टी की पुट्टी नहीं करना चाहते हैं तो बटर बेस्ड प्राइमर करें, स्टम पर करें, या वॉशेबल एमल्शन पेंट करें, जबरदस्त हो जाए। पीओपी के ऊपर डायरेक्ट वॉल पुट्टी कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए कर सकते हैं। वॉल पुट्टी अगर पीओपी में पकड़ ले तो वो बहुत मुश्किल से कटाई होती है, इसीलिए जो दिक्कत वाली जगह पर है उसमें कम से कम आप लगाएं। जैसे कॉर्निश हो गया या इसका कॉर्निश हो गया, उसमें ना ही लगाए तो बेहतर है। और जिसके ग्रुप है ध्यान रखेंगे मोटा मोटा माल ना छूटे, ताकि रेगमाल लगाते वक्त आपका आसान हो। इसमें सैंडिंग होगी कितना जबरदस्त हो जाएगा। कैसे भी खींचिए बस फिनिशिंग देना है। पीओपी के ऊपर डायरेक्ट खींच सकते हैं कि नहीं? ये देखिए खींच सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। अब ये सूखने के बाद वाइट हो जाएगा। अंधेरे में तो पीओपी पेल देते हैं, देखते तो है नहीं कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है। बहुत ही बेहतरीन होता है ये, चौक मिट्टी से तो अच्छा ही होता है। चौक मिट्टी अगर ज्यादा मोटा चढ़ेगा तो वो फट जाता है। चौक मिट्टी होता है कि सिर्फ बारीक काम के लिए, मान लीजिए हल्का फुल्का अगर कमी हो उसको छुपाने के लिए। लेकिन अगर ज्यादा ऊंचा नीचा हो तो चौक मिट्टी कामयाब नहीं होता इसके लिए, क्योंकि उसमें डालते क्या है आप लोग, पेंट ही तो डालते हैं। जहां मोटा चढ़ेगा वहां सूखने के बाद वो सिकुड़ जाता है, फट जाता है।
ऑयल बेस्ड प्राइमर लगाने वाले हैं भाई ये लोग। इसमें है निरोलक का बंडर वुड, जिसको कहते हैं हम टेज वुड, वो डाला गया है। जिस दिन पुट्टी बनाए उससे एक दिन पहले पानी डालें, इसमें एक लीटर पानी था लेकिन आधा लीटर डालें। ये दो किलो चॉक पाउडर है, इसको आप डाल दें पानी के अंदर, भिगो दें। देखिए आधा लीटर पानी के अंदर हमने दो किलो चॉक पाउडर डाल दिया, अभी एक दिन तक भीगता रहेगा। दो किलो चॉक पाउडर में आप 200 ml या तो 250 ml सिंथेटिक एनामेल हाई ग्लोस ड्रिल वाइट डाल सकते हैं। वाइट पेंट से ही पुट्टी बनाना चाहिए। 250 ml डाल दिया, ज़्यादा इसमें पेंट डालोगे फिर आप काट नहीं पाओगे, बहुत सख्त हो जाता है। अगर दीवार में करनी हो ना तो आप 200 ml एनामेल पेंट और 100 ml टजवुड डाल सकते हो दो किलो चॉक पाउडर पे। अगर दीवार पे करनी हो तो ऑयल वाला प्राइमर करें, ऐसे ही पेंट मिला के अगर आप पुट्टी करेंगे दीवार में बहुत स्मूथ होगा, लेकिन प्राइमर करने के बाद वो भी ऑयल वाला। और ध्यान रखना इसमें धूल मिट्टी गिरना नहीं चाहिए। अब आप इसको लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी निकाल दिया इसने। इतना बेकार पीओपी किया है, अब जाके स्मूथ।
चार इंच का ब्रश छोटी जगह पर इसी से ही करें, प्राइमर करें और धीरज से करें ताकि ये कोना टूट ना जाए। ठीक है, प्यार से आराम से। क्योंकि ये यहाँ तक थोड़ा दिक्कत करेगा, इसीलिए सबर रखो मन में। प्राइमर हमेशा पतला ही लगाएं और इतना भी पतला ना करें कि ब्रश से गिरने लगे। ठीक है, कैसे भी लगा सकते हैं प्राइमर। यह है कि मार के छोड़ ना दे, बस मिला दे, देखे कितना फिनिशिंग दिख रहा है। प्राइमर मारते ही पता लग जाता है कहीं टूटा फूटा है। सूखने के बाद ड्राई हो बर्जर वाइसन एक्रिलिक डिस्टम्पर वाइट, ये आपको 680 में मिलेगा 20 केजी का। इसी को ही सीमेंट प्राइमर बोलते हैं बर्जर का। ये बहुत अच्छा प्राइमर होता है। बीस किलो डिस्टम्पर में 14 लीटर पानी मिला सकते हो। और एक बात का ध्यान रखो, अगर आपको पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी मिलाओ, अगर आपको डिस्टम्पर को मोटा रखना है तो थोड़ा कम पानी मिलाओ, और स्टेनर थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। जैसे ये थोड़ा सा डाल के हमने घुमाया, इसको किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे रखिए। रखने के बाद जो आपका पहले का पेंट है उसको भी साइड में ऐसे रखिए। देखिए ये अभी भी लाइट है, यानी कि इसमें थोड़ा और डालना है। इस तरीके से आप चेक करें और बनाएं। पानी मिक्स कर लिया, उसके बाद थोड़ा लगा के देखो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। ऐसे मिला के
स्टम्पर हो या एमुलसन पेंट हो, लेकिन मिलाना बहुत जरूरी है। ऐसे मिला के एक कोट हर जगह लगा दो, जब सूख जाए तो और एक कोट लगा दो। पीओपी होता है वहाँ पे प्राइमर लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो रूखा होता है ना ज़्यादा, इसी ठीक है। अब जब हो जाएगा तब देखेंगे। एक कोट प्राइमर लग जाने के बाद चेक करें कहीं पे टूटा है, पहले बनाओ उसके बाद दो कोट डिस्टम्पर या तो एमल्सन पेंट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक दो रिपेयर आपको बना के दिखा रहे हैं। ये पी ओ पी वाले बहुत बेकार काम करते हैं, अंधेरे में करते हैं ना, एक बल्ब जलाते हैं उसमें क्या दिखता है। देखिए इस तरीके से रिपेयर चेक करो सब जगह, छोटे बड़े जो भी है आप फाइनल करने से पहले देख लो। उसके बाद हल्का सैंडिंग करो, एक बार टचअप करो पेंट से, उसके बाद दो कोट पेंट लगा दो, डिस्टम्पर करो या तो एमल्सन करो, दो कोट करोगे हो जाएगा, एक कोट प्राइमिंग करने का। पीओपी को ऐसे ही करके करना है, 320 220 150 नंबर जो भी हो, और इसमें लगा दो। हल्के हाथों से लगाना है, देखो कस के लगाओगे तो प्राइमर भी काट देगा। ऐसे एक कोट लगाने के बाद जैसे भी लगाओ लेकिन मिला के लगाना है, ये नहीं कि लगा के बाद ऐसे लगा के छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से मिलाना है इस तरीके से। और ध्यान रखो पहले प्राइमर का निशान देखो ऐसे है, ठीक है। अब ब्रश लगाएंगे तो इस तरीके से, इससे क्या होगा ब्रश के निशान दिखाएंगे, देखिए इस तरीके से करना है। जब ये सूख जाएगा तो एक कोट और लगाएंगे, डबल कोट भी लगा दो, देखो जबरदस्त वाइट हो गया ना। ऑन करो, देखो लाइट जल गई, आप अंधेरे में भी कर सकते। Thank you.
दीवार में रेगमाल लग जाने के बाद। एलोक्साइड और फास्ट एलो मिलाएंगे, एक लीटर में 700 ml मिलाएं पहले, फिर करके देखें ये स्मूथ चल रहा है तो ठीक है, वरना ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब पहले थोड़ा पानी मिला के स्टेनर डाल के इसको बनाएंगे। ऑफ वाइट रखना है तो इतना ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो एलो हो जाएगा पीला, ठीक है, इसीलिए इतना ही रखेंगे। अगर और लाइट चाहिए तो और वाइट मिला दीजिए, वरना ऑफ वाइट के लिए इतना ठीक है, क्योंकि सूखने के बाद एमल्शन तो है नहीं, प्राइमर है, ये लाइट हो जाएगा। अब सूखने दो, उसके बाद पता लग जाएगा कि कैसा बना है। एक किलो डिस्टेंपर में आप 700 ml पानी मिला सकते हैं। जब एक कोट लग जाए तो ऐसे बारीक रिपेयरिंग चेक कर लो, एक बार टचअप करो इसके ऊपर, उसके बाद पूरे में एक कोट और लगाओ तो फाइनल हो जाएगा। देखिए रिपेयरिंग हो जाने के बाद आप ऐसे कर सकते हो, टचअप कर लिया, अब सूख जाएगा तो पूरे में एक कोट लगा दो। सूख जाने दो, फिर उसके बाद एक कोट पूरे में लगा देंगे। के वजह से कहीं बॉल पुट्टी ज़्यादा कट जाता है ना, तो यहाँ पर नीचे का बेस थोड़ा झलकता है, तो
चेक कर लो, या तो कहीं काला काला दिखाई दे रहा है उसको ठीक करो, उसके बाद दो कोट और लगाओ। प्राइमर लगाने के बाद फिनिशिंग दिखाई देगा। देखिए प्राइमर लगने के बाद सिंगल कोट करें, रिपेयर करें, और जहाँ पर काला काला दिखाई दे उसको ठीक करें के बाद फाइनल करें। फाइनल पर ध्यान रखें, ब्रश के निशान दिखाई ना दे, जबरदस्त फिनिशिंग आएगा।